आईसिस कब ज्वाइन किया ये जानने के लिए क्यों ज्वाइन किया और कैसे ज्वाइन किया ये जानना जरूरी है। ये लाउडिया ना कौन? ये वायलेंस नहीं है बाबू। This is called self defense. दोस्तों जैसा कि आप सभी को याद होगा बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान को 21 अप्रैल यानी ईद के मौके पर बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया था और इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 31 दिन पूरे हो चुके हैं और 32वें दिन ये सिनेमाघरों में चल रही है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस फिल्म ने 31 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ का कलेक्शन किया, साथ ही साथ बात करेंगे ये फिल्म 32 दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ का कलेक्शन कर सकती है। साथ ही साथ बात करेंगे द केरला स्टोरी मूवी के 18 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहिए। अगर आप बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान और द केरला स्टोरी मूवी को एक बेहतरीन फिल्म मानते हैं तो पहले बात कर लेते हैं द केरला स्टोरी मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता होगा इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर 5 मई को रिलीज किया गया था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जिस तरह से ताबड़तोड़ कमाई करने में लगी हुई है वो काबिले तारीफ है। और 28 करोड़ के बजट से बनने वाली इस फिल्म को डायरेक्ट किया सुदीप्तो सेन ने जिसमें अदा शर्मा अहम किरदार में देखने को मिली है। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 8.3 करोड़ का कलेक्शन किया। इसी के साथ पहले 10 दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 136.75 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी थी। वहीं वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर पहले 10 दिनों में 164 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी थी और इसी के साथ बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रॉन्ग होल्ड करते हुए इस फिल्म ने अपने 16वें दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कमाए 9.20 करोड़ रुपए और 17वें दिन कमाए 11 करोड़ रुपए। इसी के साथ ही ये फिल्म पहले 17 दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 199 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी थी और वहीं ये फिल्म पहले 17 दिनों में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 244 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी थी। अगर बात करें इस फिल्म के 18वें दिन यानी आज की तो इस फिल्म के 18वें दिन के कलेक्शन में काफी ज्यादा ड्रॉप देखने को मिला है और ये फिल्म 18वें दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 5 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है। अगर बात करें इस फिल्म के 18 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो इस फिल्म का 18 दिनों का इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन लगभग 204 करोड़ का हो सकता है। वहीं वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का कलेक्शन 250 करोड़ से भी ज्यादा का हो सकता है। अब बात कर लेते हैं बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। आपको बता दें सलमान खान की इस फिल्म को लेकर ऑडियंस के बीच पहले से ही काफी ज्यादा क्रेज बना हुआ था और जैसे ही ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई तो ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते सलमान खान की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करने लग गई। मगर कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि सलमान खान की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाएगी मगर जैसा कि आप सभी जानते हैं सलमान खान का स्टार्डम भी इतना ज्यादा है जिसके चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करने में लगी हुई है। आपको बता दें इस मूवी को 100 करोड़ के मोटे बजट से बनाया गया है। वहीं इस फिल्म को डायरेक्ट किया फराज सामजी ने जिसके लीड रोल में हमें देखने को मिले हैं सलमान खान पूजा हेगड़े वेंकटेश दग्गुबाती और जगपती बाबू। और अगर बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 15.81 करोड़ का कलेक्शन किया। इसी के साथ ये फिल्म शुरुआती 28 दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 110.01 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी थी और इसी के साथ इस फिल्म ने 29वें दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 6 लाख 30वें दिन 8 लाख और 31वें दिन 10 लाख का कलेक्शन किया। बात करें इस फिल्म के 32वें दिन यानी आज की तो रिपोर्ट्स की माने तो ये फिल्म अपने 32वें दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 5 लाख का कलेक्शन कर सकती है और इस तरह इस फिल्म का 32 दिनों का इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन लगभग 110 करोड़ 30 लाख का हो सकता है। वहीं वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का कलेक्शन 184 करोड़ 28 लाख का हो सकता है।